हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता छत्तीसगढ़ से गार्डनिंग विद सरिता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो बहुत ही कम देखभाल में चल जाते हैं, और आप एक बार उस प्लांट को लेकर के आएंगे और आपके पास अपने आप ही वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे और ढेरों प्लांट बनते जाएंगे बिना कुछ आपको मेहनत किए। तो कुछ ऐसे ही प्लांट्स के बारे में आज मैं बताऊंगी जो कि अपने आप ही मल्टीप्लाई होकर के ढेरों हो जाएंगे और आपके गार्डन में पूरी तरीके से फैल जाएंगे। फ्रेंड्स, हम बहुत ही ऐसे प्लांट हार्डी प्लांट ढूंढते हैं जो कि हार्डी हों और कम देखभाल में चलें और ज़्यादा देखभाल ना करना पड़े और कम खाद में भी चल जाए। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें आप अगर कटिंग से लगाते हैं या कहीं से भी आप लेकर के आते हैं तो फिर हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से प्लांट हैं और किस तरीके से हम उसे अपने गार्डन में रख सकते हैं और कैसे वो अपने आप ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर है विंका। देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। विंका को सदाबहार भी कहा जाता है और इसमें देसी वेराइटी भी आती है और हाइब्रिड वेराइटी। ये जो है ये हाइब्रिड वेराइटी है, इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे नर्सरी में। और हमारे जो देसी वाले विंका हैं वो तो बहुत ही सदाबहार, इसीलिए नाम है उसका कि हमेशा ही फ्लावरिंग करता है और हमेशा ही हमारे गार्डन में बना रहता है। एक प्लांट कहीं से भी आप लेकर के आते हैं तो फिर इसके बीज अपने आप ही गिर गिर करके आपके पूरे गार्डन में फैल जाएंगे। और जो देसी वाले विंका हैं वो दो कलर में आते हैं, एक पिंक कलर और एक वाइट कलर में। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसके प्लांट्स अपने आप ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं। बस पानी देना है आपको और चारों तरफ से बीज इस तरीके से गिरते रहते हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो। हाइब्रिड को आपको एक बार लाना पड़ेगा और हाइब्रिड का भी बीज इसी तरीके से फ्लावर्स के बाद में वहाँ पर बीज बनता है और सूख करके जगह जगह पर आपको इसके प्लांट्स देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से हर जगह हर गमले में यह उगाता है। दूसरे नंबर पर है ये बटरकप का प्लांट। बटरकप का प्लांट बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। देखिए इस तरह येलो कलर के फ्लावर्स इसमें आते हैं और यह एक जंगली टाइप का पौधा है। एक बार आप लेकर के आएंगे तो वैसे ही फ्लावर्स के बाद यह बीज बनाता है और बीज जो है सूख सूख के गिरते रहते हैं और आपके हर प्लांट हर गमले में आपको यह प्लांट देखने को मिलेगा। मैं भी इसी किसी रोड साइड से लेकर के आई थी, एक प्लांट लेकर आई थी और पूरे गार्डन में यह फैल चुका है। इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं येलो कलर के। देख सकते हैं आप इस तरीके से बीज गिर गिर के नए प्लांट्स बनते रहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली पानी दीजिए और जो आप खाद दूसरे प्लांट में डालते हैं वहीं डालते रहिए। तो ये प्लांट्स जो है बिना देख रेख के बिना कोई केयर के आपके पास हमेशा रहेंगे और मल्टीप्लाई अपने आप ही होते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैं, अगर आप अपने गार्डन में ग्रीनरी चाहते हैं तो इन प्लांट को ज़रूर रखें। तीसरे नंबर पर है 4 o'clock का प्लांट। देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है यह भी। प्लांट फ्लावरिंग के बाद बीज बनाता है अपने प्लांट में और वहीं बीज जो है गिर गिर के नए नए प्लांट जो है अपने आप ही उगते जाते हैं। इसमें भी कई कलर के आते हैं 4 o'clock में। मेरे पास वाइट है, पिंक है और येलो है, तीनों कलर का है। देख सकते हैं आप इस तरीके से बीज जो है बनता है इसका। सूखने के बाद ये ब्लैक कलर का इस तरीके से बीज बनता है और अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे ये बीज जो है गिर गिर के अपने आप ही नए नए प्लांट तैयार होते जाते हैं गमले में गिर गिर के। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है ये। इसका नाम 4 o'clock है क्योंकि यह शाम को 4 बजे के बाद खिलता है। देख सकते हैं मेरे हर गमले में यह प्लांट उगाया है क्योंकि इसके बीज जो हैं गिरते रहते हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट जो हैं सेपरेट भी कर लिए हैं। देख सकते हैं आप इस तरीके से मैंने अलग अलग डिब्बों में लगा लिया है गमलों में।
बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ग्रीनरी ऐड करता है गर्मियों के दिनों में, बरसात के दिनों में फ्लावरिंग इसमें अच्छी होती है। और आप इस प्लांट को ज़रूर रखें, बड़े बड़े प्लांट आपके पास हैं तो उसके नीचे में हरा भरा करने के लिए प्लांट ज़रूर लगाएं। और अगला है गेंदे का प्लांट। गेंदा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और गेंदा भी बिल्कुल फ्लावरिंग के बाद आप सूखे हुए जो फ्लावर्स होते हैं उसको डालते जाएंगे, नए नए प्लांट जो हैं अपने आप उगते जाते हैं। बहुत ही इजी मल्टीप्लिकेशन इसका भी होता है, एक से हजारों प्लांट्स बन जाते हैं, एक फ्लावर से हजारों फ्लावर्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से यह प्लांट भी आपको बिना देख रेख के और बिना ही आप कुछ मेहनत किए मल्टीप्लिकेशन होते रहते हैं और बहुत ही ग्रीनरी ऐड करता है। अभी गर्मियों में तो बेस्ट है, आप इन प्लांट को बिना देखभाल के बिना मेहनत के आप इन प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और अभी गर्मियों में हमें यही चाहिए कि हम ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकते गर्मियों में, तो कौन से प्लांट ऐसे हैं जो आसानी से हमारे गार्डन में चल जाएं। तो यही सारे प्लांट हैं जो अपने आप ही उगते हैं और हरा भरा भी रहता है और फ्लावर्स भी देते हैं और हमसे ज़्यादा देखरेख की उम्मीद भी नहीं करते। तो यह प्लांट, और देखिए इसमें जो जाफरी वैरायटी है वह भी रहता है। मेरे पास कितने साल हो गए हैं, ये प्लांट हमेशा ही बने हुए हैं। प्लांट ख़त्म होने से पहले ही बीज को मैं डाल देती हूँ तो अपने आप ही उग जाते हैं। अगला प्लांट है अपराजिता का प्लांट। अपराजिता बहुत ही शुभ प्लांट भी माना जाता है और यह दो कलर में आता है, वाइट कलर और ब्लू कलर में, दोनों कलर मेरे पास है। और बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद इसमें फलियाँ बनती हैं, बड़ी बड़ी फलियाँ इसमें आती हैं, उन फलियों में बीज बनता है। और बीज बनने के बाद सूखने के बाद जगह जगह पर आपको इसके प्लांट देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आप, मेरे पास हर गमले में इसका प्लांट जो है उगा हुआ है, क्योंकि बीज इतने सारे बनते हैं इसके, हर फ्लावर्स जब फ्लावर सूख जाता है उसके बाद वह बीज ज़रूर बनाता है, फलियाँ बनाता है, तो एक फ्लावर से ढेर सारे बीज बनते हैं इसमें। तो सूखने के बाद वह मिट्टी में मिल करके जगह जगह उगते रहते हैं। अगला फ्लावर प्लांट है मॉर्निंग ग्लोरी का। देख सकते हैं आप, ये प्लांट नया उगा है और फ्लावर ये इस तरीके, इसमें भी कई कलर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। यह भी अपने आप ही, आपको कुछ नहीं करना है, इसके बीज गिर गिर के मिट्टी में दब करके और अपने आप ही उगने शुरू हो जाते हैं। आपको जगह जगह से उखाड़ कर फेंकना पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति रहती है। तो ये सारे प्लांट जो हैं बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट और अपने आप ही उगने वाले प्लांट हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी सुबह टाइम में फ्लावर खिलता है और देख सकते हैं मेरे पास पर्पल कलर का है, डार्क पर्पल कलर का, इसमें पिंक कलर भी आता है, वाइट कलर भी आता है, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, यह एक बेल होती है। अगला प्लांट है पर्सलिन, पर्चुलिका जो भी कहें, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट और बहुत ही खूब भर भर के फ्लावरिंग करने वाला। यह सीजनल प्लांट ज़रूर है लेकिन मरता ये नहीं है, हमेशा बारह महीने रहता है हमारे पास। इसका प्लांट जो है गर्मी और बरसात में बहुत फ्लावरिंग होगी लेकिन प्लांट जो है मरेंगे नहीं, ये हमारे पास हमेशा रहेंगे, सालों साल रहेंगे और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग आप कहीं पर लगा दें तो ढेरों प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे। एक बकेट को इस तरीके से बहुत जल्दी ग्रोथ करके पूरा बकेट भर लेता है और इसके बीज भी बनते हैं, फ्लावर्स के बाद में इसके बीज भी बनते हैं और बीज जो है गिर गिर के आप देख नए प्लांट बनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट, कम देखभाल में चलने वाले यह भी प्लांट हैं, इनको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। अगला प्लांट हम देखेंगे तो टोरेनिया का प्लांट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत सारे कलर में आता है और इसके बीज जो हैं गिर गिर के हर गमले में यह उगा रहता है, इसके फ्लावर सूख जाते हैं फिर यह बीज बना करके जगह जगह पर गिरे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।